अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्यूटी टिप, वो है फेस स्क्रबिंग। यानी आप घर में ही स्क्रब बना के अपने फेस को कैसे स्क्रब कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे स्क्रब की तलाश में हैं तो आपकी तलाश ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही बनाई गई है। चलिए चलते हैं स्क्रब के फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रीडियंट जो आपने स्क्रब में यूज़ करना है वो है मिंट लीव। मिंट लीव जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये आपके फेस को वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके फेस की रिक्वायरमेंट होते हैं। ये आपके फेस के ऊपर से ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं, आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करते हैं। इसके अलावा आपके फेस की जो टून होती है उसको इवन करते हैं। अगर आपके फेस की टून अनइवन है और बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं और आप अपने कम्प्लेक्शन को फेयर करना चाह रही हैं तो ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये आपके फेस के ऊपर ऑल इन वन एक्शन करेगा और आपको फेस को जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। मिंट लिप जो होते हैं, आपने क्या करना है मिंट लिप के लिए, आप देख रहे होंगे मेरे पास ये ड्राई फॉर्म में है क्योंकि हमने इसे ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करना है। आपने मिंट लिप लेने हैं और उसको आपने धूप में रख के सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी एयर प्रूफ जार के अंदर। उसके बाद आपने मिंट लिप को इसे निकालना है और इसका पाउडर बनाना है। आप इसे ऐसे अपने हाथों से मस लेंगे तो इसका पाउडर फॉर्म में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हाथों से इजीली मस जाता है ये, तो इस तरह से करके आपने इसका पाउडर बना लेना। नेक्स्ट थिंग जो आपने इसमें यूज़ करनी है वो है दही। दही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपके फेस के ऊपर स्क्रबिंग का काम करती है बाकी इंग्रीडियंट के साथ मिलके। जैसे आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करेगी, साथ साथ आपके तमाम सेल को एनर्जाइज कर देगी ताकि वो वर्क करना स्टार्ट करें और आपका फेस जो वो नीट एंड क्लीन हो सके, आपका कम्प्लेक्शन जो वो फेयर हो सके। इसके अलावा ये जो स्क्रब है आपके फेस के ऊपर से रिंकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी तो हर तरह की डेड स्किन, चाहे वो रिंकल की वजह से हो या एक्ने स्कार की वजह से आ चुकी हो या वैसे ड्राइनेस की वजह से आपकी डेड स्किन की लेयर बन चुकी हो, उसको रिमूव करेगी। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और आप देखेंगे कि दिनों के अंदर आप स्क्रबिंग करने से फेस पे आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, आपका कम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाएगा, आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगी, अगर आपके फेस पे लाइट पिगमेंटेशन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है दही एज ए स्क्रबिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है शुगर यानी चीनी। ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके फेस के ऊपर से डेड स्किन सेल को रिमूव करने के लिए, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से स्क्रब करती है, आपके डेड स्किन सेल को रिमूव करती है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है और साथ साथ जो है वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती चली जाती है आपकी स्किन को, जिसकी आपके फेस की स्किन की रिक्वायरमेंट होती है। तो शुगर जो है आपने जो है ऐसे ही क्रिस्टल फॉर्म में लेनी है, आपने इसका पाउडर फॉर्म नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये आपके फेस के ऊपर से जो है हर तरह की ब्लिमिशेस को, छाइयों को और झुर्रियों को भी ख़त्म करती है बाकी चीज़ों के साथ मिलके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून दही लेनी है, 1 टेबलस्पून आप मिंट लीफ का पाउडर लेंगे। और पाउडर आपने कैसे बनाना है ये बता देती हूँ। मिंट लीफ को ड्राई करना है, धूप में सुखाना है, उसके बाद इस फॉर्म में आ जाएंगे, नहीं ऐसे ड्राई हो जाएंगे। देन आप अपने हाथों से मस लेंगी तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसके साथ आपने 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड करनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलो जी, ये देखिए मैंने दही के अंदर जो है मिंट लीफ के पाउडर को और शुगर को ऐड कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब बनेगा जो कि ऑल इन वन सोल्यूशन है आपकी हर तरह के इशू का। ये आपके ब्लैक हेड्स रिमूव करेगी, आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करेगी, रिंकल्स को, ब्लिमिशेस को रिमूव करेगी। इसके अंदर शुगर ऐड है और आपने उसको क्रिस्टल फॉर्म में ही ऐड करना है, आपने पाउडर फॉर्म में उसे नहीं बनाना है। ये देखें, जब आप हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लें, आपको लगे कि शुगर भी मिक्स हो गई है और मिंट लीफ भी अच्छे से, तो आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है और लाइटली सॉफ्टली अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए अपने फेस के ऊपर स्क्रब करनी है। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे मसाज अपने फेस के ऊपर, देन आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आपने फेस पर अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स तक अपने फेस के ऊपर जो है इस स्क्रब की मसाज करनी है ताकि आपके फेस के ऊपर अच्छे से स्क्रबिंग हो सके। स्क्रब करने के बाद अपने फेस के ऊपर 5 मिनट्स, आपने 10 मिनट्स के लिए इसको अपने फेस पे लगे रहने देना है।
10 मिनट्स के बाद आप अगेन स्क्रब करेंगी अपने फेस के ऊपर अपने फिंगर की हेल्प से, और देन आप टैप वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लेंगी। यानी आपने 2 टाइम्स स्क्रब करना है, 1 टाइम जब आप अप्लाई करेंगी, देन उसके बाद 10 मिनट्स का रेस्ट देना है फेस पे, देन आप अगेन 5 मिनट्स स्क्रब करेंगी फेस पे, यानी अपने फिंगर्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में अपने फेस के ऊपर मसाज करेंगी, देन आप टैप वाटर के साथ फेस को वॉश कर लेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपने इसको डेली यूज़ करना है, इजी टू यूज़ है और चीज़ें जो है सारी घर में ही अवेलेबल हैं, तो आपने डेली इसको यूज़ करना है और एक ब्यूटीफुल फ्लॉलेस स्किन हासिल कर लेनी है। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।